चलो चैप्टर नंबर थ्री. व्हाट इज चैप्टर नंबर थ्री फॉर AS2? दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो अपनी रामायण चालू कर दे अपन पहले. AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, नहीं है. AS7, AS8, वेरी गुड. AS9, AS10, AS11, AS12, AS13, AS14, amalgamation. AS15, employee benefits. AS16, borrowing cost. AS17, segment reporting. AS18, related party disclosures. AS19, lease. AS20, EPS. AS21, CFS. AS22, taxes. AS23, associates. AS24, discontinuing operation. AS25, interim financial reporting. AS26, intangible assets. AS27, joint venture. AS28, impairment of assets. AS29, provisions, contingent assets and contingent liability. We are going to AS2, that is inventory. First one, objective. Standard किसको मतलब क्या कर रहे हैं इस साल में, तो inventory की valuations कर रहा है. Scope, standard किसको applicable है और standard किसको applicable नहीं है. Definition, एक ही definition learn करना है inventory का. Measurement, it should be measured at cost or NRV whichever is less. Inventory का cost कैसे निकालेंगे. Joint product, by product और scrap की बातें कर लेंगे. NRV की बातें हो जाएगी. इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स आ जाएगा. रिकग्निशन एज एन एक्सपेंस एंड लास्ट वन इज डिस्क्लोजर. फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव. द स्टैंडर्ड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्री. प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट. प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर मेजरमेंट. एंड फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंस इंक्लूडिंग राइट डाउन कैसे करना है. किसको अप्लाई नहीं होगा. AS7 बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग है. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पे अप्लाई नहीं होगा. शेयर्स डिबेंचर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज उसके लिए AS13 अलग से है हमारे पास. और लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा. डेफिनेशन. इन्वेंट्री एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. व्हाट आर इन्वेंट्री. थ्री थिंग्स. इन्वेंट्रीज आर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटीरियल. अब उसी को एनलार्ज करना था तो इन्वेंट्रीज आर असेट्स. सबसे पहले तो हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल और इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस. फिर से एक बार. इन्वेंट्रीज आर असेट्स, हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल और इन फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर एंडरिंग ऑफ सर्विसेज. सो दैट इज इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्रीज आर हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर एंडरिंग द सर्विसेज. सो दिस इज फिनिश गुड्स, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज रॉ मटीरियल. चकास वाली कहानी है. दैट इज इन्वेंट्री. NRV का डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे. मेजरमेंट. Inventory should be measured at lower of cost or net realizable value. We should remember this. Now, very important to remember this. अगर inventory की बात करेंगे तो तीन चीज़ों में classified है. First is raw material, second one is work in progress and third one is finished goods. तो एक line तो बोल दिया that inventory should be valued at cost or NRV whichever is less, but raw material का NRV नहीं मिलता है. तो raw material को किस में measure करेंगे. At cost. But only if the selling price of finished goods is less than the cost price of the finished goods, then we should measure it at replacement cost. Realizable value आता ही नहीं है सर उसका. अभी exactly clear with that one. Raw material है, कहाँ बेचेंगे. हमारे लिए market नहीं होता है, जो बेचता है उसके लिए market होता है. हमारे लिए market थोड़ी होता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बेंच बेचना है तो मेरे लिए बेंच का ये एक्टिव मार्केट नहीं है बिकॉज मैं बेंच बेचने के बिजनेस में. मेरे पास कौन खरीदने आता है बेंच.
अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, तो मेरे लिए कोई आएगा ही नहीं, तो मेरे पास वो एक्टिव मार्केट नहीं है. सो रॉ मटेरियल को हम एनआरवी पे मेजर नहीं कर सकते हैं. तो रॉ मटेरियल को किस में मेजर करना है? कॉस्ट. बट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. वर्क इन प्रोग्रेस को किस पे मेजर करना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. फिनिश गुड्स को किस पे मेजर करना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. सो वी शुड रिमेंबर दैट रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then raw material should be valued at replacement cost. Work in progress and finished goods should be valued at cost or net realizable value. Clear hai? Cost ki baat karte hai. Without me showing, dekhte kitna yaad hai. What should be included in the cost and what should not be included in the cost? Included in the cost, 1, 2, 3. 1. Cost of purchase. Cost of conversion. Other directly attributable costs. एंड कौन सी चार चीज़ें नहीं आनी चाहिए? एबनॉर्मल वेस्टेजेस, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट. सो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दिख रहा है मास. फर्स्ट वन कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकेंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड अदर कॉस्ट. क्या नहीं आना चाहिए? स्टोरेज नहीं आना चाहिए, एबनॉर्मल वेस्टेजेस नहीं आना चाहिए, एडमिन नहीं आना चाहिए, सेलिंग नहीं आना चाहिए. कैन वी सॉल्व अ क्वेश्चन? चलिए नोटबुक्स निकालिए. Yes, of course. Can I start? First, ABC buys goods from the overseas supplier. It has recently taken delivery of 1,000 units of component X. The quoted price of component X is 1,200 per unit, but ABC has negotiated a trade discount of 5% due to the size of order. The supplier offers an early settlement discount of 2% for the payment within the 30 days, and ABC intends to achieve this. Import duties, that is basic custom duty of 60 per unit, must be paid before the goods are released through the customs. Once the goods are released through the customs, ABC must pay a delivery cost of 5,000 to have the component taken to its warehouse. What is the cost of inventory? Standard likhne ka tarika, matlab exam mein answer likhne ka tarika, phir number aap khelloge. First one, as per AS2, valuation of inventory, inventory should be measured at cost or NRV whichever is less. The cost of inventory should include the cost of purchase, the cost of conversion, other costs. It should exclude the storage cost, the admin cost, the abnormal wastages and the selling cost. Aur ab number game. Chalo, aage piche discussion nahi karna. Calculator saath mein aur notebook mein khali rough mein likhna. Kitne units purchase ki hai? 1000 units ka purchase ki hai aur ek unit ka price hai 1200 per unit. उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि वो 5% कैश ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है हमें. आप सोचो ट्रेड डिस्काउंट का आपको क्या करना होगा. उसके बाद सप्लायर अपने को 2% का कैश डिस्काउंट दे रहा है अगर हमने 30 डेज में पेमेंट कर दी, और हमारा फुल इंटेंशन है कि हम ये 30 डे में पेमेंट कर देंगे. आगे बढ़ू. नेक्स्ट वन, इम्पोर्ट ड्यूटी बोला है 60 पर यूनिट. एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर यू शुड रिमेंबर, आई विल टेल यू, देयर आर 1000 यूनिट्स. एंड लास्ट में एक बार कस्टम से रिलीज हो गया तो एक डिलीवरी कॉस्ट पे करना हमें 5000 का बिफोर इट इज टेकन टू वेयर हाउस. सर टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए आप और नोटबुक पे ध्यान. इज इट डन? चलो टोटल कर लो. और अभी आपको आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे चेक करेंगे. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर वन. पहले पूरी कहानी आएगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. तो यहाँ पे आना चाहिए पहले परचेज प्राइस. कितने यूनिट्स खरीदे भाई? 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1200. आंसर बोलो. 12 लैक्स. उसके बाद उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था? 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था. सो 5% का ट्रेड डिस्काउंट इज इट 60,000. तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 11,40,000. कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होना था. अगर आपने कर दिया है तो आप गलत हो. चलो उसके बाद आएगा एड कस्टम ड्यूटी. सो इम्पोर्ट ड्यूटी बोल दो या कस्टम ड्यूटी भी बोल सकते हो आप. तो ये था हमारा 1000 का 60. सो इज इट 60,000?
और उसके बाद था डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे. सो दिस आर डिलीवरी चार्जेस एंड डिलीवरी चार्जेस आर 5,000. सो आपका टोटल वैल्यू आना चाहिए 12,05,000. पीपल हु आर गेटिंग इट करेक्ट दे आर राइट, बट आंसर ऐसे नहीं. जैसे मैंने कहा पूरा डिटेल आएगा फिर ही आंसर आएगा. कोई डाउट है? कैन आई गो अहेड? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर टू. ये मैं करा देता हूँ आपको खाली रिवाइज कराने के लिए है. सो अगर आपको याद हो तो इन्वेंट्री के कॉस्ट शुड इंक्लूड थ्री थिंग्स: कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करेंगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स: फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स शुड बी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, विच एवर इज लो. वेरिएबल ओवरहेड्स तो कॉस्ट पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करना है. सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके लिए ओवरहेड्स की. ओवरहेड्स में अगर वेरिएबल ओवरहेड्स है तो कॉस्ट पर यूनिट पे इसे एब्जॉर्ब कर देना है. बट अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है तो आपको याद रहना चाहिए था कि एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस पे जाना चाहिए था. याद आ रहा है? ठीक है ना. अब फर्स्ट वन, प्लूटो हैज़ अ प्लांट विद अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 5 लाख यूनिट एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ 15,000. सो आई विल टेल यू बजटेड कॉस्ट पर यूनिट. अपना बजटेड कॉस्ट पर यूनिट का टोटल कितने लाख का खर्चा हो रहा है? 15 लाख का. एंड कितने यूनिट्स की बात कर रहे हो आप? 5 लाख्स. सो दिस इज 15 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख्स. तो अपना आंसर आएगा रुपी 3 पर यूनिट. अब केस नंबर ए कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन भी 5 लाख यूनिट्स हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? तो भाई अपना एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट भी कितना आएगा? 3 पर यूनिट ही आएगा. और बजटेड भी हमारा 3 पर यूनिट ही है तो एब्जॉर्ब कितने पे कर लोगे? 3 पर यूनिट. तो 15 लाख का टोटल खर्चा है. 15 लाख में से हम इन्वेंट्री में कितना डाल देंगे? तो इन्वेंट्री में हम लोग डाल देंगे 5 लाख्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15 लाख्स. तो बाकी का बैलेंस कितना बचेगा? सर कुछ भी नहीं बचेगा. कोई डाउट आपको? जकास बोलो. चलिए ये हो गया एक्चुअल और बजटेड विच एवर इज लेस. अब बी में उन्होंने कहा है कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? सर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 यूनिट्स हुआ है. तो सर आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आना चाहिए 15 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000 एंड द आंसर इज 4 पर यूनिट. तो फिर आपका 15 लाख का टोटल खर्चा हुआ है, उसमें से आप इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करेंगे 3 पर यूनिट या 4 पर यूनिट पे? 3 पर यूनिट भाई. अच्छा हाँ मैं वही बोल रहा था सर. चलो 3,75,000, 11,25,000 ही एब्जॉर्ब होगा सर. बैलेंस जो 3,75,000 है ये इनएफिशिएंसी दिखाता है और ये इनएफिशिएंसी को हमें पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है बिकॉज आप एफिशिएंट नहीं हो. अब ये एग्जैक्टली क्लियर? चलिए इसके बाद आ रहा है हमारा सी. सी में हमें कहा गया है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है. सर एक्चुअल प्रोडक्शन 7.5 लाख का है तो फिर आपका एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आएगा 15 लाख डिवाइडेड बाई 7,50,000. हाँ तो यही तो मज़ा होता है सर रिविजन का. इज इट 2? तो एब्जॉर्ब कितने पे करोगे? सो दिस इज 15 लाख में से इन्वेंट्री में कितना डाल देंगे? तो सर 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 लाख.
तो सर बैलेंस कितना आएगा? नील। एफिशिएंसी रिपोर्ट नहीं करनी होती है, इन एफिशिएंसी रिपोर्ट करनी होती है। अब ये एग्जैक्टली क्लियर? यहाँ पे भी कंजर्वेटिज्म आता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है, एकदम सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग एंड फंडामेंटल्स है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। बुरा काम कर रहे तो बुरा काम कर रहे हैं, तो ओ अच्छा अच्छा ऐसा नहीं करने का, बोल देने का हाँ गलत है हम लोग। आर वी क्लियर विद दैट? चकास बोलो। सो आई गेस वी आर वेरी क्लियर दैट इन्वेंट्री शुड बी एब्जॉर्ब एट, और फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, विच एवर इज लेस। डन है? उसके बाद आ रहा है, अगर आपको याद हो, वील हैव स्क्रैप, वील हैव बाई प्रोडक्ट, वील हैव जॉइंट प्रोडक्ट, याद आ रहा है? अच्छा, मैंने तभी भी कहा था, एग्जाम में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है बट आ सकता है कभी भी। तो स्क्रैप पे किस पे मेजर करने का? वैल्यू डैट स्क्रैप, और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देने का, या तो COGS से ये लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस स्क्रैप, COGS, कॉस्ट कम होते हैं, स्क्रैप बिक रहा है। बाय प्रोडक्ट को किस पे मेजर करने का? करो करो यार, ऑलवेज एट NRV, ऑलवेज एट NRV। बाई प्रोडक्ट क्या है? ये बनाने का इंटेंशन नहीं था पर बन गया तो बेच दो भाई, खर्चे और कम करो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? बट सिर्फ NRV पे, सिर्फ NRV पे। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब दो दो बन गए, तो इसे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट आफ्टर द स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट जो बच जाता है उसे क्या करना पड़ेगा? अलोकेट करना पड़ेगा। इसका कितना, इसका कितना, कौन से बेसिस पे करने का? रैशनल एंड रीजनेबल बेसिस पे, स्टैंडर्ड ने बोला है और हम लोग ने एक अच्छा रैशनल और रीजनेबल बेसिस निकाला है सेल्स वैल्यू पे करने का। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अब जब रिवाइज करोगे तो एक क्वेश्चन भी दिखना चाहिए आपको, दिखा ये क्वेश्चन। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स, वन बाई प्रोडक्ट BP इमर्जेंस बेसाइड्स टू मेन प्रोडक्ट दैट इज MP1 एंड MP2, अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे थे, स्क्रैप मिला, एक बाई प्रोडक्ट मिला जिसका नाम BP रख दिया है, और दो मेन प्रोडक्ट मिल गए विच इज MP1 MP2। चलो अब रॉ मटेरियल कितने का गया? 1,50,000, वेजेस 90, फिक्स्ड ओवरहेड 65, वेरिएबल ओवरहेड 50। फिर MP1 के 5,000 यूनिट्स बने, MP2 के 4,000 यूनिट्स बने, बाय प्रोडक्ट के 2,000 यूनिट बने, और क्लोजिंग स्टॉक में MP1 250 यूनिट्स है, MP2 100 यूनिट्स है। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 आर 60 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। बड़ा करूँ? चलो MP1 कितना? 60। MP2 कितना? 50। द बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन द सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट होता है वो कंसिडर नहीं करना है, आफ्टर इंकरिंग अ सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 8,000 एंड 2,000। तो ये तो खर्चे माइनस करोगे बिकॉज NRV लेना है। रुपी 5,000 इज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ MP1 एंड MP2 एज ऑन 31 मार्च 2012। चलो साथ में करें क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी चालू कैसे करोगे? एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं लिखोगे तो चलेगा बिकॉज ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट पे, तो पहले पूरा कहानी लिखो। इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस गिव्स यू द स्क्रैप इट शुड बी वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, इफ देर इज अ बाई प्रोडक्ट इट शुड बी वैल्यूड एट NRV, प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। इफ देर आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स द कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड टू ज्वाइंट प्रोडक्ट इन सम रैशनल एंड रीजनेबल बेसिस दैट इज सेल्स वैल्यू, फुल स्टॉप। इतना लिखने का एग्जाम में, फिर चालू करने का। अब चालू करता हूँ मैं कॉस्ट से। कॉस्ट में हमारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल, चलो साथ में लिखते रहना। रॉ मटेरियल इज इट 1,50,000। रॉ मटेरियल के बाद आ रहा है वेजिस 90,000। उसके बाद आ रहा है मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स 65,000। उसके बाद आ रहा है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड्स 50,000। चलिए गाइस टोटल बताइए,
1,50,000 plus 90 plus 65,000 plus 50,000 3,55,000 का टोटल कॉस्ट आ गया. डू यू अग्री विद दिस? पहले क्या हटाओगे? स्क्रैप. तो पहले स्क्रैप हटा देते हैं. स्क्रैप में उन्होंने बोला है 5,000 वॉज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, तो 5,000 स्क्रैप से हटा देते हैं. तो अब टोटल कितना बचेगा? चकास बोलो. चलो स्क्रैप हटाने के बाद लेस क्या करेंगे? अभी बाय प्रोडक्ट को कौन से वैल्यू पे मेजर करोगे? कितना बाय प्रोडक्ट बना है सर? 2,000 यूनिट्स का बाय प्रोडक्ट बना है. एंड दे हैव टोल्ड यू बाय प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 20. सो गाइस 2,000 इंटू क्या लेंगे? 20 माइनस. प्रॉफिट कंसिडर करेंगे? प्रोसेसिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस. सो माइनस 8,000 माइनस 2,000, ये वो NRV बेच के लास्ट में कितना पैसा आएगा भाई? बोलो कितना पैसा आ रहा है? 30,000 आ रहा है. तो ले लो 30,000. तो अब हमारा टोटल कितना बचेगा? व्हाट इज 3,20,000 टोटल कॉस्ट है. सारे खर्चे खर्चे की बातें कर रहे हो अभी आप, हैं कि नहीं? क्या निकल गया? स्क्रैप निकल गया. क्या निकल गया? बाय प्रोडक्ट निकल गया. अब क्या बना? MP1 बन गया और MP2 बन गया. अब ये खर्चे को अलोकेट करना है. किसके बीच में अलोकेट करना है सर? MP1 के बीच में अलोकेट करना है, MP2 के बीच में अलोकेट करना है. कौन से बेसिस पे करना है? सम रीजनल एंड रैशनल बेसिस, एंड दैट इज सेल्स वैल्यू. तो यहाँ पे बाजू में वर्किंग करते हैं. MP1 का सेल्स वैल्यू कितना होगा? तो MP1 कितने यूनिट्स बने थे? 5,000 यूनिट्स. सेल्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस नहीं बोला, याद रखना एग्जामिनेशन में. सेलिंग प्राइस लोगे तो 60:50 का रेशियो बना के आओगे. सेलिंग प्राइस नहीं, सेल्स वैल्यू. सो 5,000 इंटू 60 3,00,000 होता है. और MP2 कितना बना है? 4,000 यूनिट्स इंटू 50 आंसर 2,00,000. तो कौन सा रेशियो बन गया? 3:2 का रेशियो बन गया. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3:2 के रेशियो में अलोकेट करेंगे. किसको अलोकेट करोगे 3:2 के रेशियो में? चलो 3,20,000 को 3:2 के रेशियो में अलोकेट करो. 1,92,000 एंड तो जो 3,20,000 का खर्चा हुआ है ना, उसमें से 1,92,000 का खर्चा किसके लिए हुआ? MP1 बनाने के लिए. और 1,28,000 का खर्चा किसमें हुआ? MP2 बनाने के लिए. अब हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट. MP1 का कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं. तो MP1 का कॉस्ट पर यूनिट होगा टोटल 1,92,000 का खर्चा हुआ है सर. और कितने यूनिट्स बने? 5,000 यूनिट्स बने. बोलो 38.4 पर यूनिट. और सर MP2 का क्या हुआ? 1,28,000 डिवाइडेड बाय 4,000 32 पर यूनिट. ये कॉस्ट पर यूनिट मिल गया. जकास बोलो. अभी क्या निकाल लेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे. चलिए MP1 के कितने यूनिट्स बचे थे क्लोजिंग स्टॉक में? 250 इंटू 38.4 आंसर 9,600. और MP2 कितने यूनिट्स बने? 100 इंटू हाउ मच? 32 आंसर 3,200. सो हाउ मच इज द टोटल गाइस? 9,000 एंड 12,000. इज इट 12,800? जकास बोल दीजिए. डन है. चलो ये हो गई जॉइंट प्रोडक्ट की बातें, स्क्रैप की बातें और बाय प्रोडक्ट की बातें. कोई डाउट्स आपको? फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस. कॉस्ट शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. कॉस्ट शुड इंक्लूड द स्टोरेज कॉस्ट, द एडमिन कॉस्ट, द सेलिंग कॉस्ट एंड एबनॉर्मल वेस्टेजेस. कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस. तो अब NRV पे चले जाते हैं.
एनआरवी पे कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, कॉस्ट इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन होगा, एनआरवी इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन होगा. अब एनआरवी निकालने का काम है तो रॉ मटेरियल का तो भाई एनआरवी निकल नहीं सकता है, एनआरवी किसका निकल सकता है? सो दिस इज एनआरवी निकालना है मुझे सर. तो एनआरवी अगर आपको निकालना है तो फिनिश गुड्स की एनआरवी निकालते हैं. तो फिनिश गुड्स की एनआरवी कैसे निकालेंगे? तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बराबर कि नहीं, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? लेस कॉस्ट टू सेल. अब कॉस्ट टू सेल में एडवर्टाइजिंग नहीं आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आता है. कॉस्ट टू सेल में सिर्फ वही खर्चे आते हैं जो सेल्स करने के बाद होते हैं. सर कौन से खर्चे होते हैं सेल्स करने के बाद? तो भाई कमीशन आ सकता है. कमीशन क्या बोलूँगा मैं, डिलीवरी चार्जेस आ सकता है. डू यू अग्री विद दैट वन? जो सेल्स करने के बाद होंगे वो हमारे हाथ में पैसा नहीं आने देंगे, कम हो जाएगा हमारा. अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको विजय सेल्स का. टीवी खरीदने गया था, टीवी खरीद के लेके आया पर डिलीवरी उन्होंने किया तो अभी 50,000 का टीवी है, उनको डिलीवर करने में 2,000 का खर्चा हो गया तो उनके हाथ में अल्टीमेटली कितना पैसा पहुँचेगा? 48. अच्छा, उसके बाद हमें वर्क इन प्रोग्रेस का भी तो एनआरवी निकालना पड़ेगा. वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी क्या वर्क इन प्रोग्रेस मार्केट में बिकता है? नहीं. तो चालू करोगे एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस. किसका सेलिंग प्राइस लोगे? फिनिश गुड्स का लोगे. प्लीज बी केयरफुल. डू यू रिमेम्बर दिस? माइनस व्हाट? कॉस्ट टू सेल्स है ना, पर एक और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. क्यों? बिकॉज सर वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा है. तो फिर जो आंसर आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एनआरवी. तो एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कॉस्ट टू सेल, एंड एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. चकास है? That is cost or NRV, whichever is low. चलो next one is my question number 4. चलिए sir, question number 4. 1. Cost of partly finished units at the end of 2016-17 is 150. So 150 is the cost of partly finished unit. Partly finished unit is work in progress. The unit can be finished next year by further expenditure of 100. The fixed unit or the finished unit can be sold at estimated selling price of 250 subject to the payment of 4% brokerage on the selling price. Determine the value of the inventory. Work in progress ki valuation kar rahe ho. How much is cost? 150 de diya hai. Kya nikalna hai bhai? NRV nikalna hai. तो एनआरवी में क्या लेना पड़ेगा हमें? सेलिंग प्राइस किसका लेंगे? फिनिश गुड्स का. फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 250. ब्रोकरेज दिया है 4%. शुड बी माइनस 4% ब्रोकरेज. सो 4% ब्रोकरेज माइनस कर दो, 250 का 4% इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 आ जाएगा. एंड माइनस फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100 भी माइनस करेंगे, 100 भी माइनस कर दो तो 140 आ जाएगा. 150 पे मेजर करोगे और 140 पे मेजर करोगे, मेजर्ड एट 140. एग्जामिनेशन में आंसर कैसे लिखोगे? एज पर एज टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच वेर इज लेस. और फिर नीचे का एनआरवी का कैलकुलेशन दिखा दो आप, कॉस्ट एंड एनआरवी. ये हो गया कैलकुलेशन. कोई डाउट है? आगे बढ़े. नेक्स्ट वन आ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स. ये डायग्राम याद है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक. इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल का मतलब एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री दूसरे यूनिट से अलग है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब एक इन्वेंट्री उठाने का, एक वैल्यू निकालने का, दूसरा इन्वेंट्री निकालने का, उसका वैल्यू निकालने का. यहाँ पे बेंचेस दिख रहे हैं, इज इट इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल और नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल? बिकॉज सारे बेंचेस सेम है तो मैं यहाँ पे एक एक बेंच का वैल्यू नहीं निकालूंगा, एक बेंच का वैल्यू निकालूंगा मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दूंगा. बट अगर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल हुआ तो एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, चार बेंच, सबका अलग अलग वैल्यूज निकलेगा. वहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको मैंने डीसी कार्स का. कार बनाते हैं, हर एक कार अलग होता है, तो अगर उनके गोडाउन में जाके अपने को 10 कार मिलेगा तो 10 कार का अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा.
ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल बेंचेस का एग्जाम्पल आ गया, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, हिस्टोरिक नॉन हिस्टोरिक। नॉन हिस्टोरिक का मतलब हम परचेस पॉइंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, बट जैसे दुनिया प्रोग्रेस हो रहा है तो 99.99% ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल आर हिस्टोरिक, बिकॉज अभी हमारे पास इतने सारे ऑटोमेशन आ गए कि हम हर एक चीज़ का परचेज प्राइस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेंच बनाते वक्त वुड कितने का आया पता है, फेविकॉल कितने का आया पता है, खिल्ला कितने का आया पता है, ये स्टील रॉड्स कितने का आए पता है, फिर उस पर लोगों ने काम कितना किया, वेजेस सब पता है। तो अगर ये सारी डिटेल्स हमें पता है तो वी कॉल इट एज हिस्टोरिक, डिटेल्स नहीं पता है तो वी कॉल इट एज नॉन हिस्टोरिक। नॉन हिस्टोरिक वैल्यूएशन में दो मेथड है आपके पास, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड रिटेल इन्वेंट्री। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो आपका कॉस्टिंग में भी ख़त्म हो गया, तो आपको आइडिया आना चाहिए वहाँ पे क्या करते हो, कुछ नहीं एक स्टैंडर्ड लगा देते हो, तो ये कितने में बना होगा, इतने में ही बना होगा, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और रिटेल इन्वेंट्री में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस द जीपी और आई वुड से प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। और हिस्टोरिक में हमारे पास दो मेथड्स है, फर्स्ट वन इज नोन एज फीफो, सेकेंड वन इज नोन एज वेटेड एवरेज। क्लियर विद द डायग्राम? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, चालू करूँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट, मर्क्यूरी लिमिटेड यूजेज द पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द ईयर 2011 एंड 12। अप्रैल में ओपनिंग इन्वेंट्री था, मई में परचेज, सितंबर में परचेज, फरवरी में परचेज, टोटल दे दिया है, हाउ मेनी यूनिट्स आर टोटल, 1000 यूनिट्स, उसका कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग दिया है, टोटल कॉस्ट भी दे दिया है 12,250। फिजिकल इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2012, कितना इन्वेंट्री है हमारे पास, 400। चलो अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ ए, ए का मतलब है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो आप मेरे को यहाँ से देख के बताओ कितने यूनिट बचे, 400। कौन से बचे होंगे, ऐसा नहीं बोलने का, पहले बोलने का फेब का 350। हाँ फीफो ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बचा होगा वो लास्ट से बचा होगा, तो हमारे पास फेब का 350 यूनिट बचा है, सितंबर का 50 यूनिट बचा है। कैलकुलेटर लो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 350 × 14 के रेट से बढ़ा है, बचा है, और बाद में 50 × कौन से रेट से बचा है, 12। टेल मी दी आंसर, 5500 क्या मिल गया आपको, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक 5500 मिल गया है तो उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, गाइस कॉमन सेंस ना, देखो टोटल कॉस्ट दिया है उन्होंने 12,250 में से 5500 बचा हुआ है, सो 12,250 माइनस 5500 इज इक्वल टू 6750। जकास बोलो, अब कौन सा काम करेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज करेंगे। अगर हम वेटेड एवरेज करेंगे तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे सीधा, 400 यूनिट बचा है, बट उसके लिए पहले क्या निकाल लोगे आप, वेटेड एवरेज कैसे निकालते पता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, कैलकुलेटर 12,250 डिवाइडेड बाय 1000, 12.25, सो 400 × 12.25 इज इक्वल टू चकास है, एंड देन वील हैव समथिंग विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी इक्वल टू 12,250 माइनस 4,900 इज इक्वल टू, चकास बोल दो फिर से, फीफो याद रह गया, वेटेड एवरेज भी याद रह गया, टू गुड। नेक्स्ट वन, रिकग्निशन एज एन एक्सपेंस, इन्वेंट्री को एक्सपेंस कब दिखाओगे, तो दो वे से एक्सपेंस दिखेंगे, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के खर्चे में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेबिट साइड होगा ना, तो डेबिट में जो भी रिकॉर्ड करते हो वो खर्चे होता है, या तो अगर इन्वेंट्री का एनआरवी उससे कॉस्ट से कम हो तो फिर हमें राइट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको बेसिक से याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे आएगा, सारे परचेज एक्सपेंसेस कॉस्ट पे आएंगे, सेल सेलिंग प्राइस पे आएगा, सेलिंग प्राइस पे जीपी निकल जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस कॉस्ट पे आता है, पर अगर उसका एनआरवी उससे कॉस्ट से कम हो तो स्टैंडर्ड ने कहा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो वो राइट डाउन करना पड़ेगा, एंड राइट डाउन करने का मतलब है लॉस बुक करना, और वो लॉस कहाँ लेके आओगे, पीएनएल। तो दो वे से एक्सपेंस बुक होता है, या तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में डाल के उसे एक्सपेंस बुक करते हो, या तो करंट ईयर का वैल्यूएशन कम करके उसे एक्सपेंस बुक करते हो। अभी क्लियर? डिस्क्लोजर क्या क्या दिखाना है,
भाई AS1 अभी अभी करके आया हो। AS1 का क्या था स्टैंडर्ड? इज द मेथड ऑफ इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग पॉलिसी और एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके देखोगे तो पहले लिखा होगा इन्वेंट्री इज मेजर्ड एज पर फीफो और इन्वेंट्री इज मेजर्ड एज पर वेटेड एवरेज, लिखना ही पड़ेगा। उसका कैरिंग अमाउंट दिखाना है, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिखाना है, अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज किया वो लिखाना है, अगर इन्वेंट्री कोई प्लेज किया है तो भी दिखाना है। चकास है, दिस इज माई AS2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो कैसे इसे रिवाइज करते हैं वन शॉट में। मैंने वही कहा, याद रखने का तरीका होता है कि रिवाइज करने के बाद वापस फर्स्ट पेज पे आ जाने का। ऑब्जेक्टिव सर इन्वेंट्री वैल्यू करना है। स्कोप AS7 पे अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे अप्लीकेबल नहीं है। और किस पे? लाइव स्टॉक पे भी अप्लीकेबल नहीं है। डेफिनेशन, फर्स्ट वन, डेफिनेशंस आर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आर असेट्स हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, इन फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट वन, मेजरमेंट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और इन आर वी विच वेर इज लेस। रॉ मटीरियल शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, देन इट शुड बी मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। WIP कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, फिनिश गुड्स कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ परचेज, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड द अदर कॉस्ट। इट शुड नॉट इंक्लूड द स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, एडमिन एंड द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड शुड बी अज्यूम्ड एट CPU बट एब्जॉर्ब्ड एट कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस। सर अगर बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और स्क्रैप हो तो स्क्रैप को मेजर करोगे स्क्रैप वैल्यू पे, बाय प्रोडक्ट को मेजर करोगे और जॉइंट प्रोडक्ट को अलोकेट करेंगे रैशनल एंड रीजनेबल बेसिस, दैट इज सेल्स वैल्यू पे। उस पर क्वेश्चन याद रहना चाहिए MP1 MP2। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग बट कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेल्स सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नॉन हिस्टोरिक, नॉन हिस्टोरिक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिटेल इन्वेंट्री, रिटेल इन्वेंट्री में सेलिंग प्राइस माइनस द प्रॉफिट इज द कॉस्ट, एंड हिस्टोरिक में फीफो एंड वेटेड एवरेज। रिकग्निशन एंड एक्सपेंस या तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में आ जाएगा या तो करंट ईयर के राइट डाउन में आ जाएगा। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, कैरिंग अमाउंट क्वांटिटी कहीं पे प्लेज है तो भी डिस्क्लोज करना है, उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स भी डिस्क्लोज करना है। कोई डाउट? चकास बोल दो। वाह,